नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सर आईपी यूनिवर्सिटी और डीएसयू के बीच में एक कंपैरिजन बताओ कि हमें किस में अप्लाई करना चाहिए, हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर हमें प्रायोरिटी किसको रखना है और कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं सारे डाउट्स आप लोगों के आज इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे जो आईपी यूनिवर्सिटी है वो एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन ले रही है और डीएसयू दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो है वो मेरिट बेस्ड एडमिशन ले रही है। ठीक है, तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ का जो मॉडल है बिल्कुल अलग है एडमिशन प्रोसेस के लिए। दूसरी बात, हम बात करते हैं इनकी एफिलिएशन के बारे में, तो दोनों ही सेम अपना स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स है वो ज़्यादा है। डीएसयू के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सारे ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। फीस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा कंपेयर करें तो 40,000 जो गवर्नमेंट कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी का उसकी भी फीस है ईयरली, और 40,000 ही इन्होंने ईयरली जो फीस रखी है अपना बीबीए और बीसीए कोर्सेज के लिए रखी है। बाकी बीटेक की फीस को अगर कंपेयर करते हैं तो जो इनके सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स की जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर मैं बात करूँ महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल या फिर बड़े बड़े जो इनके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस को कंपेयर करूँ तो डीएसयू की भी जो बीटेक की फीस है ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ली जा रही है। और जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, थोड़ी बहुत फीस इनकी यहाँ पे कम होनी चाहिए थी। अब बच्चे के माइंड में ये आता है कि भाई मैं किस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करूं, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर चाहिए हाई रैंक और यहाँ पे चाहिए हाई परसेंटेज। अब मैं आपको एक चीज़ और ये बता दूं, यहाँ पे कट ऑफ जो जाएगी वो बहुत हाई जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि दिल्ली के अंदर जो बीबीए है बीसीए है कराने वाले कॉलेजेस बहुत कम हैं और सब बच्चे चाहते हैं, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाए ताकि फीस भी कम लगे, प्लेसमेंट भी अच्छी मिल जाए और एजुकेशन भी अच्छी मिल जाए। ये तो फैक्ट है भाई, ऑब्वियस ही बात है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस रहती है कम रहती है और वहाँ पर जो है एक सिस्टम पहले से बना हुआ है तो उसके अंडर ही ही सबको काम करना होता है। वहां पे किसी के अपने रूल्स नहीं चलते, यहां पे सिर्फ गवर्नमेंट के रूल्स चलते हैं, तो इसलिए लोगों की जो प्रायोरिटी रहती है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की रहती है। तो ऑब्वियसली बात है यहां पे आपकी कट ऑफ जरूर हाई जाएंगी क्योंकि आपके पास बीबीए के लिए बीसीए के लिए और बीकॉम के लिए गवर्नमेंट ऑप्शंस बहुत कम है। अगर मैं बात करूं डीटीयू और एनएसयूटी की तो वहां पे भी मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं और फर्स्ट टाइम जब वहां पे एडमिशन ओपन हुए तो 90s में कट ऑफ गई। दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता है एंट्रेंस और कंबाइन है मेरिट का, तब भी वहां पे जो 90s वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है एडमिशन के लिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अप्लाई मत करो, फर्स्ट टाइम है, हमें नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन अगर आपकी 75+% है तो आप यहां पर जरूर अप्लाई करें। 75 से अगर आपकी नीचे परसेंटेज है तो मेरे को लगता है कि थोड़ी रिस्क वाली बात हो जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरा हम बात करते हैं कि आपको कहां पे अप्लाई करना चाहिए। आईपी यूनिवर्सिटी और डीएसयू दोनों ही अलग अलग है। यहां पर जो आपके ऊपर काम किया जा रहा है वो आपके स्किल्स के ऊपर काम करा जा रहा है, आपके वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर काम करा जा रहा है। यहां पर करिकुलम पहले से दिया हुआ है यूनिवर्सिटी और वही उनको पढ़ाना है। बाकी इंटर्नशिप्स आपके थर्ड ईयर के अंदर हो जाती है, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट्स हो जाती है। लेकिन यहां पे आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है क्या है कि आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट आदमी बन जाए, आपको इतने स्किल्स आ जाए कि आपको किसी की जॉब की जरूरत ना पड़े। तो मेरा जहां तक कहना है कि अगर आप एलिजिबल हो डीएसयू में भी लेने के लिए और आईपी यूनिवर्सिटी में भी लेने के लिए तो आप इसको प्रायोरिटी दें। क्यों प्रायोरिटी दें? क्योंकि भाई यहाँ पे बिल्कुल नई फैकल्टी आपको मिलेगी, हो सकता है उनके पास एक्सपीरियंस ना हो लेकिन उनके पास बिल्कुल नया करिकुलम होगा, एक नई मेंटेलिटी होगी, एक नई सोच होगी पढ़ाने की, जो कि आपको ऑब्वियसली बात है आज से 3 साल बाद ज़रूर हेल्प करेगी। यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ऑप्शन मिल रहा है, आपका रैंक आ गया है और आपकी मेरिट नहीं आई है तो यहाँ पे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईपी यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज माना जाता है, अगर आप अच्छी मेहनत कर लोगे तो यहाँ पे आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। 300 से अंडर में आपको रैंक लेके आना होगा। बाकी यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आईपी यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट कॉलेज है वही अब दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बन गया है। तो आईपी में से ही एक तरीके से डिवीजन हुआ है और आईपी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो डीएसयू के अंडर में कर दिए गए हैं। तो ये एक तरीके से आपको समझना है कि आप यहाँ पे एडमिशन लो चाहे आप यहाँ पे लो, आप एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर में या फिर एक ही गवर्नमेंट के अंडर में एक तरीके से जा रहे हो, लेकिन दोनों का जो वर्क मॉडल है वो बहुत ही अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अच्छी मेरिट है तो डीएसयू में एडमिशन लो, अगर आपके अंदर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई है और आप सोचते हो कि भाई मैं मेहनत कर सकता हूँ आज की डेट में, तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो और आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर एडमिशन लो। तो कट ऑफ का पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
होगा आपका और एंट्रेंस का एग्जाम का पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आप ऑप्शन दोनों को ही लेके चलो, मैं ये नहीं कहता कि आप DSU में अप्लाई नहीं मत करो, DSU में भी आपको अप्लाई करना है, आपको IP यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई करना है, आपको DU में भी अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा ओपिनियन और बाकी आप लोगों का ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लेके, आपका डाउट जो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लेके, मैं उसके ऊपर पूरी पूरी कोशिश करूंगा मेहनत करने की। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।